नमस्कार दोस्तों, मैंने दिव्यन्दु मंडल सेफ स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। कुछ दर्शकों को हेडर को फिक्स करने के लिए मेरे को मेरा बोला, तो मैंने इसको आपको तरीका मैंने ऐसे ही अपलोड किया। कॉलम और रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को मैंने फ्रीज कर दिया, आपको ऐसे ही मिलेगा डाउनलोड करने से। तो फिर भी आप इसको जस्ट आपको करना है तो आप जो इसको फिक्स कीजिए, इसको फ्रीज पे जाके फर्स्ट फ्रीज टॉप रो कर दीजिए, ये आपको फिक्स दिखाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है और ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ और तरीका दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग पूछा था कि मेरा फेवरेट स्टॉक्स कौन सा है, मैंने कौन कौन स्टॉक्स में ज़्यादा काम करने का पसंद करता हूँ। तो मैंने ये फिल्टर लगा रहा हूँ, इसको बाद मैंने जितने वोलेटिलिटी ज़्यादा हो और डिलीवरी परसेंटेज जिसका कम हो तो उसको मैंने इंट्राडे में इस्तेमाल करता हूँ। तो इसको मैंने वोलेटिलिटी को ग्रेटर देन 2 देता हूँ और डिलीवरी डिलीवरी परसेंटेज को मैंने लेस देन इक्वल टू 20 देता हूँ। तो इतना स्टॉक्स आता है आपको, ठीक है। तो और भी कुछ तरीका है आपको इसको स्क्रीनिंग करने के लिए, इसमें आप ट्रेंड कौन सा है आप दिख सकता है इसका अंदर। मैंने इधर से 70% के ऊपर जो है उसको दिखाया। आप देखिए इसमें वेरियस टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम में, 2-3 टाइम फ्रेम में ये आप ट्रेंड में कौन सा है जो पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस के ऊपर लास्ट डेट प्राइस है। तो इसको देखिए, फर्स्ट इंटरडे में मतलब वन डे का प्रीवियस डे का हिसाब से ये एंड ऑफ द डे बना गया है, प्रीवियस डे से हिसाब से ये है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग मतलब 5 डेज के भी जो कॉमन आपको मिलेगा 2-3 टाइम फ्रेम में, वो स्ट्रेन आपको अच्छा से आएगा, उतना स्ट्रेन स्ट्रांग होगा। शॉर्ट टर्म में भी आता है और लॉन्ग टर्म में आप इसको R1 R2 के भी आप स्क्रीन कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप स्क्रीन कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसको और भी आप फिल्टर यूज़ कर सकता है। इसमें आपको जो जो न्यू हाई लोस बनाया है उसको जो जीरो वैल्यूज आता है उसको आप जीरो कर दीजिए तो न्यू 1 वीक हाई आपको मिल जाएगा, न्यू 2 वीक हाई आपको चाहिए तो इसको कर दीजिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब आ जाता है और आप इसको हटा दीजिए, 2-3 फिल्टर यूज़ कीजिए तो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। और इसको जस्ट आप देख लीजिए एक बार, दो तीन फिल्टर कॉमन रखिए और उसके हिसाब से आप मैच कीजिए कौन सा वेरियस टाइम फ्रेम से कौन सा कॉमन आता है आप ट्रेंड में, कौन सा न्यू हाई लो बना है उसके ऊपर, उसको हाई और उसको लो तोड़ेगा तो मूवमेंट अच्छा होगा, क्योंकि उसके ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कम मिलेगा न्यू हाई और न्यू लो के नीचे ऊपर नीचे। और ये आप देख सकता है जो नियर जाता है
उसका वैल्यू जब जिसका एक के नीचे हो तो वो नियर